गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो अभी तक हमने मैथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़े. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर. मतलब हमें ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हम कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर की क्लीनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर में से इंप्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं. तो बेटा इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस आपका आएगा वो आएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, सबसे पहला है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपने इससे पहले भी पढ़ा. फिल्ट्रेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी बेटा एक फिल्टर की, है ना. कोई एक फिल्टर चाहिए, छन्नी चाहिए या कुछ भी चाहिए. तो फिल्ट्रेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं बेटा? हम नॉर्मल लाइफ में बहुत फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे टी टू सेपरेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस कब किया जाएगा बेटा? जब लिक्विड को हमें किसी सॉलिड में से वो करना है, सेपरेट करना है. ओके, तो आप डेली लाइफ में सकते फिल्ट्रेशन में आते हैं टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी. चाय पत्ती, चाय छानने के लिए आप यूज करते हो. यस, चाय छानने के लिए आप यूज करते हैं. ओके, उसके बाद आपको वाटर में से कोई बड़ी इम्पोर्टेंट निकालनी है, जैसे एनी लिक्विड या फिर वाटर ले लेते हैं. टू सेपरेट वाटर, सॉरी टू सेपरेट पेपर, स्टोन, सैंड, चारकोल एक्सेट्रा फ्रॉम वाटर. मतलब कोई सॉलिड इंप्योरिटी को अलग करने के लिए हम यूज करेंगे. नाउ अगर आपको वाटर में से सैंड अलग करना है बेटा, तो हमें फिर जो सीव होती है, मतलब जो छन्नी होती है, वो काम नहीं आएगी. उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोई बहुत ही फाइन, मतलब जिसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद हैं ऐसी चीज की. तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर फिल्टरिंग वाटर. वी कैन यूज वाटर टू सेपरेट सैंड या टू सेपरेट मड, मतलब मिट्टी अलग करने के लिए. वी कैन यूज अ क्लॉथ, या तो हम ये कपड़ा यूज कर सकते हैं या फिर फिल्टर पेपर. अब प्रोसेस तो आपको पता ही है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है. कल मैं आपको एक वीडियो और दिखा दूंगी फिल्ट्रेशन की. ओके, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिल्टर करने के लिए आपको फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा, इस टाइप के फाइनल होगा, ठीक है. और इस टाइप के फाइनल में हम फिल्टर पेपर लगाएंगे, ठीक. यहाँ पे एक बीकर होगा, इस बीकर में हमारे पास एक और बीकर होगा, उसमें वाटर है. वाटर हम इस फनल में डालेंगे तो जो भी सैंड है वो ऊपर रह जाएगी और जो वाटर है वो हमारा फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा. तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपका. नेक्स्ट है आपका बेटा इवेपोरेशन. ये आपने बहुत सुना भी होगा. नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन, और आपने ये सुना भी होगा प्रोसेस, ठीक है. इवेपोरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म. जब कोई लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है. वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, मतलब जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है. अब ये प्रोसेस बेटा कहाँ कहाँ काम आता है आपका? इट इज यूज्ड, ये यूज होता है आपका फॉर डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन वाटर. मतलब आपकी वाटर में जब कोई डिजॉल्व सब्सटेंस है, यूज्ड टू सेपरेट डिजॉल्व सब्सटेंस इन वाटर. वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो इवेपोरेशन के थ्रू अलग हो सके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं. आपको क्या हो सकता है?
दी या नमक घोल दिया, तो आपको उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हीट अप करना पड़ेगा, इवेपोरेट करना पड़ेगा। आप एग्जांपल लो, आप जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हो। आपने वाटर लिया और उस वाटर में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, तब तक सॉल्ट मिक्स करो तब तक जब तक मिक्स होना बंद ना हो जाए, ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद जब हम उसको हीट अप करेंगे मतलब उसको गर्म करेंगे तो जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगेगा और इवेपोरेट होकर उड़ने लगेगा। लास्ट में जब आप देखोगे तो बेटा नीचे सॉल्ट रह जाएगा और पूरा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। और ये प्रोसेस यूज होता है फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट। जो आपका नमक आता है ना वो इसी तरीके से बनता है। क्या किया जाता है बेटा, जो समुद्र होता है समुद्र में नमक मिलता है ना, तो जो समुद्र होता है उसके आसपास इस तरीके से गड्ढे बना दिए जाते हैं, ठीक है, गड्ढे बना दिए जाते हैं और उस गड्ढे में पानी डाला जाता है। ये पानी सन की रोशनी से इवेपोरेट होने लग जाता है और नीचे नमक रह जाता है, ओके। तो इस तरीके से कॉमन सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हमारे दो प्रोसेसेस थे, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। कल हम आगे के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, लोडिंग, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, और मैं आपको इसके वीडियोज भी दिखाऊंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।